नमस्कार, मैं हूं भव्य और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन में जहां राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय लीडर उदित राज ने किया धरना प्रदर्शन, वहीं दलित जन जागृति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतवीर सिंह जटाव ने किया कांग्रेस के नीतियों का खुला विरोध। वहां उपस्थित JKUT के नेता सुहेल अहमद मीर भी कांग्रेस के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ रोड पर उतर चुके हैं, लगातार भाजपा को घेरने का काम कर रही है। वहीं देखा गया दिल्ली के अंबेडकर भवन पर तमाम कार्यकर्ता एकत्रित होकर काले वस्त्र पहनकर और दिल्ली के कई जगहों पर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आज पूरे भारत में कांग्रेसियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उसी दौरान में विपक्ष को जिस तरह से घेरने की बात करते हैं राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेसी लीडर हैं, वह जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं वह विपक्ष में देखा गया। कई जगह नारेबाजी की जा रही है। उन नारेबाजी को लेकर लोग मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगा रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम कार्यकर्ता रोड पर लगातार उतरे नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं जनरल सेक्रेटरी सोहेल अहमद मीर का क्या है कहना। मीर साहब, जिस तरीके से आज कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है राहुल गांधी के समर्थन पे, बाबा साहब जो अम्बेडकर भवन है, और आप लोग दलित जनजागृति मिशन के सीनियर लीडर्स हैं और यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अभी इनका राहुल गांधी जी का मसला हुआ है, तो इन्होंने भी 70 साल एक हुकूमत यहाँ पे आयद की थी, दाखिल की थी हिंदुस्तान के अंदर, तो इसमें इनकी कहीं खुद की गलतियाँ हैं, जो इसके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू साहब, उसकी भी कुछ गलतियाँ हैं जिनका खमियाजा इस वक्त कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। तो दूसरी बात, दलित जन जागृति मिशन इस मामले में यही कहना चाहती है कि जो ये इनके ऊपर आरोप वगैरह लगाया गया है, ये दोनों एक ही है, कांग्रेस BJP, ये अब लोगों को धोखा दे रहे हैं। बेसिकली ये RSS का ही सिस्टम है, तो ये लोग धोखा दे रहे हैं। तो आपका मतलब, तो आज आप इनके विरोध में आए हैं कांग्रेस? बिल्कुल, हम विरोध में भी नहीं आए, लेकिन विरोध में ही है, क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान को आगे करना चाहते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में फैलना चाहिए, उसके संविधान के ऊपर काम करे। ये संविधान के बाहर काम करते तो इसमें यही लुचे लफड़े फिर आ जाते हैं, जबकि इनका कैरियर जो है जेल खानों में है, या तो इन्हें लोग ही, इनका एक वक्त आएगा लोग ही सजा देंगे। सतवीर सिंह जी, आप दलित जागृति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज अंबेडकर भवन पहुंचे हुए हैं, जहां राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस यहां पे नारा लगा रही है, तो आप क्या इनको समर्थन देने आए हैं क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो मीडिया कर्मी को मैं आप लोगों का जो है स्वागत करता हूं कि आपने जो है संविधान की बात को समझा और आप यहाँ तक आए, और जो आज जो ये डॉक्टर अम्बेडकर भवन के अंदर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम जो लोकतंत्र की बात बचाने की बात है, तो ये तो बहुत पहले कार्यक्रम हो जाने चाहिए थे, लेकिन मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की सरकार जो सबसे पहले इस भारतवर्ष के अंदर बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने ही लोकतंत्र पर ध्यान नहीं दिया। काश अगर लोकतंत्र पर ध्यान देते तो लोकतंत्र मजबूत होता, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इस डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान को अगर मैं पूर्ण रूप से भारतवर्ष के अंदर लागू करूंगा तो हम खून के आंसू बहाएंगे। तो जो कांग्रेस जो है वो भी एक RSS की पहले ए टीम हुआ करती थी, उसी में से बी टीम थी भारतीय जनता पार्टी। आज जो है भारतीय जनता पार्टी RSS की ए टीम है और कांग्रेस जो है बी टीम है। तो जो आज राहुल गांधी जी को जो ये समस्या जो क्रिएट जो करी जा रही है, ये इनकी जो है, इनकी जो इन्होंने जो गलतियां करी हैं उसका एक खमियाजा भुगत रहे हैं, और ये राहुल गांधी नहीं और भी अन्य जो लोग होंगे वो भी इन सारे लोकतंत्र को मजबूत ना करने का खमियाजा भुगतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।